बैठक आज होने वाली है, दिल्ली में होगी संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये बैठक चलेगी। सरकार के आश्वासन पत्र पर समीक्षा होगी। लखीमपुर खीरी कांड में अब तक प्रगति पर जो चर्चा है वो भी होगी। एमएसपी के मुद्दे पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना पर मंथन भी होगा। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील, क्या लग रहा है आपको कि जो आज संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक होने वाली है, उसमें आगे की जो रणनीति होगी वो क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस बैठक को लेकर, वो कितनी बैठक खास रह सकती है? बिल्कुल साधना, बैठक बेहद खास है क्योंकि 14 मार्च है आज, गांधी शांति प्रतिष्ठान आईटीओ के पास है, वहां पे किसान संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की बैठक होने वाली है। और सबसे दो मुद्दे बड़े अहम है, एक तो जो आश्वासन पत्र था 9 दिसंबर को जो सरकार ने दिया था और जिसके बाद किसान आंदोलन समाप्त हुआ, तो उसकी समीक्षा की जाएगी कि सरकार उस दिशा में जो आश्वासन दिया था, यानी जो प्रोमिसेज किए गए थे, उस प्रोमिसेज की दिशा में सरकार कितने आगे बढ़ी और क्या कुछ किया गया है किसान हित को लेकर, तो उसकी समीक्षा की जाएगी। दूसरी जो सबसे अहम बात है कि उस दौरान जब बैठक, जब सरकार ने आश्वासन दिया और किसान आंदोलन वापस लिया गया था, तो सख्त एक सुर में कई संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा था कि उनका कोई राजनीति से कोई वास्ता नहीं, कहीं कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद पंजाब चुनाव और उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी भूमिका रही है और वो कई लोग चुनाव भी लड़े हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा मुद्दा है आज की बैठक में, चूंकि एसकेएम के सभी नेता जो है उसमें शामिल हो रहे हैं, सबको बुलाया गया है, सबको इनवाइट किया गया है और उसमें यह मुद्दा रखा जाएगा कि उस वक्त कहा गया था तो उसके बाद ये लोग कैसे इसमें शामिल हुए और क्या कुछ इनकी इनका दायित्व रहा इन चुनावों के दौरान, क्या कुछ इन्होंने किया, इसकी भी समीक्षा बैठक की जाएगी। साथ ही देखिए, एक और मुद्दा जो बेहद अहम है वो फंड का है, क्योंकि शुरू में ही जब संयुक्त किसान मोर्चा की जब बैठक वहां हर मुद्दे पर बैठकें कर रहा था, तो वहां एक फंड का इशू उठ रहा था कि आखिर फंड कहां से अरेंज हो कि जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा स्कीम अपनी लड़ाई लड़ सके, अपनी आगे रणनीति तय कर सके, तो उसको लेकर भी यह समीक्षा बैठक मानी जा रही है। और जो मुख्य है वो है लखीमपुर खीरी, हालांकि लखीमपुर खीरी कांड में जो कुछ हुआ और अजय मिश्रा जो गृह मंत्री अजय मिश्रा और टेनी थे उनका नाम सामने आया और उस मुकदमे भी दर्ज हुए, और अब जो चुनावी नतीजे आए हैं और वहां पे जिस तरह से बीजेपी जीती है, तो निश्चित तौर पे उसको लेकर भी समीक्षा बीजेपी समीक्षा किसान संयुक्त किसान मोर्चा करेगी और देखेगी कि क्या कुछ कमी रह गई और सरकार ने जो उस वक्त प्रोमिसेज किए और जो मुकदमे दर्ज हुए उस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई हुई, यह भी एक मुख्य एजेंडा है। साथ ही शहीद स्मारक का भी एजेंडा मुद्दा चल रहा था, चूंकि पंजाब में जितने लोग मारे गए थे या दिल्ली जब सिंघू बॉर्डर पे, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे जहां एक किसान संयुक्त किसान मोर्चा किया किसान आंदोलन के लोग वहां आंदोलनरत थे, जहां आंदोलन कर रहे थे वहां शहीद स्मारक बनाने की बात हुई थी, क्योंकि 723 लोगों के आसपास लोग मरे थे इस आंदोलन के दौरान, तो उसको लेकर भी अभी तक क्या कुछ हुआ और नहीं हुआ, तो उस पर भी यह बैठक की जाएगी। और पंजाब में नई सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की, वहां जिस तरह से जीत हुई है, तो निश्चित तौर पर उसके बाद किसान मोर्चा की क्या कुछ रणनीति होगी इसको लेकर भी यह बैठक है। तो बिल्कुल 10 से 5 का समय दिया गया है साधना, और ये अहम बैठक माना जा रहा है कि, और देखना है कि कौन कौन से नेता पहुंचते हैं इसमें, क्योंकि एक और साधना अहम यह है कि संयुक्त एसकेएम की बैठक है संयुक्त किसान मोर्चा की, और उस वक्त जितने भी किसान नेता सक्रिय दिख रहे थे वह दिख रहे हैं कि आज उसमें कितने लोग इस बैठक में शामिल होते हैं। जी साधना, ठीक है ठीक है। सुशील, फिर से आपके पास लौटूंगी मैं, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी मैं।